अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं? आज मैं आपको बताऊंगा तारिक बशीर चीमा, जो कि MNA हैं, उनकी हिस्ट्री कि वो कहां से MNA बनते हैं, उनकी तारीख पैदाइश क्या है, किस ज़िले से हैं, किस तहसील से हैं, किस फैमिली से हैं और कब कब किस किस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया है और कौन कौन सा इलेक्शन विन हुए हैं। मैं आपको उनकी हिस्ट्री आज जो है वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तारिक बशीर चीमा साहब जो हैं चीमा फैमिली, जट चीमा फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मुस्लिम लीग काफ के टिकट पे वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और उन्होंने वहाँ बहावलपुर से इलेक्शन विन की है। दो भाई हैं और इनका नाम चौधरी तारिक बशीर चीमा, फादर नेम जो है उनका चौधरी बशीर अहमद चीमा मरहूम, पार्लियामेंट एड्रेस हाउस नंबर 35 ए मोहल सेटेलाइट टाउन बहावलपुर, जो उनका परमानेंट एड्रेस है। लोकल एड्रेस जो है वो उनका मिनिस्टर हाउस इस्लामाबाद है, हाउस नंबर 21 है। उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया हुआ है। सुबह उनका पंजाब है। उनकी कॉन्स्टिटेंसी नंबर बात कीजिए तो वो NA 172 जो बहावलपुर का कॉन्स्टिटेंसी है जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, और उनकी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। उन्होंने जो 2018 के इलेक्शन में इलेक्शन विन किया था उसकी जो ओथ ली थी वो 13/8/2018 को ली थी। अगर उनकी डिटेल में आपको मैं हिस्ट्री बताऊं तो ये दो भाई हैं और पाकिस्तानी पॉलिटिशियन रिज्यूम डॉफर सिंह September 2018, इस फादर नेम चौधरी बशीर अहमद चीमा, कॉन्स्टिट्यूंसी NA 173 बहावलपुर 2 में आती है। एजुकेशन की बात करें तो इनकी BA है। अगर इनके बिजनेस की बात करें तो लैंडलॉर्ड ज़िम्मेदारा तबके से, ज़िम्मेदारा घराने से इनका ताल्लुक है। इनकी जो टोटल इनकम है पर ईयर वो 23,64,391 रुपये इसके टैक्स पेयर हैं और उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी है। उनका मोबाइल नंबर 03458776222। तो ये थी आज हमने आपको बताया तारिक बशीर चीमा साहब की इन्फॉर्मेशन। टेक केयर, गुड बाय।